गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लेटर्स क्लास सेकेंड का लेसन एट एंड अनग्रेटफुल लायन, यानी ऐसा लायन, ऐसा शेर जो किसी का एहसान नहीं मानता, उसको कहते हैं अनग्रेटफुल। इसकी आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा और बुक में उंगली रखकर हर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अ हंड्रेड ईयर्स ago there lived a lion in the green forest। 100 साल पहले की, 100 years ago यानी करीब करीब 100 साल पहले की बात है। green forest में, green forest एक जगह का नाम है, जिसे एक जंगल का नाम है। green forest में एक शेर रहता था। one day a bone got stuck in his trot by eating his food। एक दिन जब वह खाना खा रहा था, eating his food यानी जब वो अपना खाना खा रहा था, उसकी गले में, trot means गले में, उसके गले में क्या हुआ, एक बोन got stuck यानी एक हड्डी फंस गई, अटक गई। he could not eat anything now। अब उससे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था, अब वो कुछ भी नहीं खा पा रहा था। He was in great pain। उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था गले में। He was hungry। और वो भूखा भी था, क्योंकि जब उससे कुछ खाया नहीं जा रहा था, उसे भूख भी बहुत लग रही थी और उसके गले में हड्डी फंस रही थी, इस कारण उसके गले में दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा था। He cried all the night from pain and hunger। वो पूरी रात, all the night यानी पूरी रात, दर्द से, पेन माने दर्द और हंगर माने भूख, दर्द और भूख से चिल्लाता रहा। Cry means चिल्लाना। His angry roar was heard from far and wide all over the jungle। जंगल बहुत बड़ा होता है, उसकी जो एंग्री रोर थी यानी गुस्से से, भूख में, गुस्से से, दर्द से जो उसकी चिल्लाहट थी, उसे पूरे जंगल में दूर दूर तक सुना जा सकता था। वाइड फार मीन दूर और वाइड मीन्स दूर दूर तक सुन सकते थे। नन ऑफ द एनिमल्स केम नियर द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। कोई भी, नन मीन्स कोई भी जंगल का जानवर उसके पास, राजा के पास नहीं जा पा रहा, नहीं जा रहा था। They were all afraid of him। वे उसकी चिल्लाहट सुन के, उसकी गुर्राहट सुन के डर रहे थे, वे सारे डरे हुए थे। तो ये आप हमने पढ़ा कि 100 years ago they lived a lion in the green forest। One day the bone got stuck in his trot while eating his food। यानी कि फॉरेस्ट में एक लायन रहता था, जब वो एक दिन अपना खाना खा रहा था तो उसके गले में क्या हुआ, हड्डी अटक गई। उसके बाद वो कुछ भी नहीं खा पाया और उसको गले में बहुत दर्द हो गया था और वह भूखा भी था, तो वो पूरी रात दर्द और भूख से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज दूर दूर तक जंगल में सुनी जा सकती थी, कोई भी जानवर उसके पास नहीं आया, वो सब उससे डर गए थे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे की वीडियो में हम आगे का चैप्टर रीड करेंगे।